हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको दो मिक्सर कहीं कनेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा मिक्सर है और इसी आप चला रहे थे, इसमें आपके लिए माइक जो है पर्याप्त नहीं हो रहे थे, आपको ज़्यादा माइक लगाने हैं, तो इसके साथ में आपको इस दूसरे मिक्सर को भी कनेक्ट करना है। तो ऐसी पोजिशन में आपके सामने दो चीज़ें बनेंगी। एक तो ये बनेगी कि इसमें से आप जो इको जा रहा है तो इस मिक्सर में भी आपका इको जाएगा। एक कनेक्शन ऐसा होता है कि इसमें इको जाएगा, वो आप इसका इको कहीं से बंद नहीं कर सकती। तो इस मिक्सर में हम ढोल वगैरह और जैसे पैड वगैरह है जिसमें हमें इको नहीं देना है, तो उसमें आप इसको नहीं दे पाएंगे। और एक तरीका मैं इसमें आपको ऐसा भी बताऊंगा कि इसमें आप ढोलक वगैरह भी इसमें बजा सकते हैं, चाहे इसमें बजा सकते हैं। गाने वाले को चाहे आप इसमें लगा दीजिए, उस गाने वाले को चाहे आप इसमें लगा दीजिए, दोनों मिक्सर आपके बिल्कुल एक ही कनेक्शन पर चलेंगे। दोनों से आउटपुट बिल्कुल सेम निकलेगा और सेम क्वालिटी आपकी निकलेगी। तो इस तरह से आपको दो तरह के कनेक्शन कर सकते हैं और दो तरह के कनेक्शन करके आप चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मिनी एटीव है, तो ये छोटा मिक्सर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका इको हमें यहाँ मिल जाए, तो 12 माइक ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और मुझे इसे बिल्कुल चलाना ही नहीं है। मान लीजिए ये देना चाहें तो इसे माइक दे सकते हैं, और चाहें कि हमें इसमें कुछ भी नहीं देना है तो 12 माइक हमारे यहाँ पे हैं, तो यहाँ से हम 12 माइक को यहीं से चलाएंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ से इको लेना है, तो आपको यहाँ पे इको फुल चैनल में इको मिलेगा, और आप काटना चाहें तो इको यहाँ से काट भी सकते हैं, यानी पूरे के पूरे टोटल माइक यहाँ पे हम चला सकते हैं। तो वो कैसे चलेगा, कनेक्शन कैसे करना है, मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ जैसे आपने इस मिक्सर से इसको जोड़ा है, समझना बात को, तो आपने जैसे मान लीजिए इस मिक्सर से इस मिक्सर को जोड़ा है, तो इस मिक्सर से का आपका इको अच्छा आता है और इस इको इको मान लीजिए अच्छा नहीं आता है, तो आपको इसका इको हमें इस मिक्सर में चाहिए, तो इसका इको मैंने इस मिक्सर में ले लिया है। लेकिन आपने देखा होगा एक तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे कोई मिक्सर होता है तो उसमें लाइन इन होती है, तो जो लाइन इन होती है तो लाइन इन में यहाँ पे हम डाल के और माइक में नहीं लगाना है, क्योंकि माइक में बहुत हाई गेन होती है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे तो बिसल की समस्या आपको रहेगी, तो यहाँ नहीं लगा सकते, इसको लगाएंगे तो बिसल आएगी और आप साउंड बजा ही नहीं पाएंगे। और यदि आपके पास लाइन का ऑप्शन नहीं डालना है इसमें, तो इसमें आप केबल फेंक बनानी पड़ती है, और केबल में कुछ रेजिस्टेंस लगा के इसको कंट्रोल कर दिया जाता है, इसकी गेन को, तो वैसे भी यहाँ से भी हम चला सकते हैं, लेकिन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो रेजिस्टेंस लगा दें आप, तो उससे हम केबल एक अलग से इस तरह की केबल तैयार करने पड़ेगी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा जिससे हमारी यहाँ पे काम करने लगेगी। फिर तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने लाइन को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा मेन मिक्सर है, इससे मैं इस मिक्सर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइन इन में डाल दिया और यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे आउट में डाल दिया, तो यहाँ पे ये मिक्सर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ से जो मैं आउट ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो आउट निकल रहा है वो हमारा एम्पलीफायर को जा रहा है। अब मैं यहाँ पे माइक चेक करता हूँ, माइक मैंने लगा के रखा हुआ है कि यहाँ पे जो माइक है हमारा, तो ये माइक हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम खोलते हैं माइक को। हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे हमारा माइक काम कर रहा है, तो यहाँ पे माइक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हम चाहते हैं ये हमारा इको वाला है बोलूँ, तो मैं चाहता हूँ इफेक्ट वाला बंद कर दूँ, तो क्या यहाँ से इफेक्ट बंद हो जाएगा, चेक करते हैं। हेलो 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 चेक 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 चेक। तो यहाँ से इको हमारा बंद नहीं हो रहा है, और देख लीजिए मिक्सर से मैंने इको को टोटल बंद किया हुआ है, कोई भी बोलूँ हमारा इको का यहाँ पे नहीं खुला है, तो यहाँ से इको हमारा टोटल बंद है, और जो हमारा इको है हमारा इस मिक्सर का इको इसमें जा रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे। हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक 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 चेक। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वर्क, हमारा ये मिक्सर साथ में कनेक्ट हो गया। अब हमको ऐसे करेक्शन यदि हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें आपको ढोलक वगैरह है पैड वगैरह है तो इस मिक्सर में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इको जाएगा, इको जाएगा, तो यहाँ पे आपको इको जैसे ढोलक पे आपको इको नहीं देना है, पैड पे इको नहीं देना है, तो पैड पे यहाँ इको जाएगा, ढोलक पे इको जाएगा, आप इसको बंद नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह से ये आपका जो कनेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, तो ढोलक वगैरह इस पे लगा लेंगे
और ढोलक वगैरह के अलावा जो वोकल वाली माइक हैं वो यहाँ पे जो गाने बजाने गाने वाले माइक हैं तो सिर्फ गाने वालों को या बोलने वालों को यहाँ लगा देंगे, और ढोलक और जो पैड वगैरह है ऑर्गन वगैरह है तो यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ जिसको ईको नहीं चाहिए उसको यहाँ लगा देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा ईको को जो वॉल्यूम है यहाँ से बंद कर देंगे तो हमारा ईको बंद हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, मैंने इसको लीड को यहाँ से निकाल दिया है और अब मैं नंबर 2 पे कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ लगा दिया। हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक 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 तो चेक यहाँ पे देखिए इको जा रहा है। अब मैं यहाँ पे इको के वॉल्यूम को बंद करता हूँ। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक तो देखिए ईको को खोलने पे ईको इसमें आ रहा है, बंद करने पे बंद हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि ये हमारा मिक्सर रहेगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसमें हमको इफेक्ट नहीं चाहिए होता है, और इफेक्ट वाले पूरे माइक जिसमें हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो यहाँ पे लगेंगे। इसमें लगा भी सकते हैं, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, यदि आपके पास जगह है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ भी लगा दीजिए, वो आप यहाँ भी लगा दीजिए, दोनों मिक्सर सेम आपका एक सा काम करने लगेंगे। इसकी वॉल्यूम वगैरह की जो सेटिंग होती है, जैसे ये मैंने यहाँ से मिक्सर को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आउट में डाल दिया, ये मिक्सर के आउट में, इसमें 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 4 में से आप किसी में भी। अब मान लीजिए हमको ये मिक्सर अलग चाहिए, वो ये मिक्सर अलग चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमारे लिए कि हमारे इस मिक्सर का हमको बिल्कुल दोनों कनेक्ट भी रहें, और इससे हम ईको देना चाहें तो दे लें, और ईको बंद करना चाहें तो इससे भी बंद कर लें ईको, क्योंकि अभी इस कनेक्शन में आपका इसका ईको जो है वो बंद नहीं होगा। तो आप फिर दोनों मिक्सर को आप कैसे भी चला सकते हैं, तो दूसरा कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको करना क्या है कि जो मैंने यहाँ से जो लीड ली है, यहाँ से मैंने इस लीड को यहाँ पर अभी मैं आउट में डाली थी, तो यहाँ पर देख लीजिए जिस मिक्सर में ये लिखा है सेंड और रिटर्न, तो जहाँ पर सेंड होता है उसको सेंड में लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपने सेंड में लगा दिया, किसको लगा दिया सेंड में? इसको, जहाँ पे लाइन में डली थी, तो यहाँ से मैंने उसको सेंड में दे दिया। अब सेंड में देने के बाद अब यहाँ से जो हमारा आउट निकलेगा तो आउट के लिए हमको अलग से केबल इसमें लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से अलग से केबल लगा के और मैंने एम्पलीफायर के ऑक्स 2 में दे दिया, और एक ऑक्स 1 से ली केबल तो ये ऑक्स 1 में डली है, और इससे ली तो ये ऑक्स 2 में डाल दी है। अब दोनों को देख लिया, अब दोनों को मैंने यहाँ पर कनेक्शन करके दोनों का आउट लेके इस तरह से थोड़ा सा चेंज करने पर दोनों मिक्सर अब हमारे अलग अलग वर्क करेंगे। जैसे हम इसको जैसा चाहें वैसा बजा सकते हैं, अब हम इसको जैसा चाहें ऐसा बजा सकते हैं, चाहे हम इसमें ई को चाहें तो बजा सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल नहीं बजाना है, आप बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी ये तो हमारा मेन है, तो इसमें तो इको वगैरह आएगा, बंद करना चाहे बंद हो जाएगा, लेकिन जो इससे कनेक्ट किया है तो इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद मैं माइक से चेक करता हूँ। हेलो 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 तो यहाँ पे इको नहीं आ रहा है। अब मैं इसका इको का वॉल्यूम खोलता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इको के वॉल्यूम को खोल दिया है। हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक चेक हेलो तो यहाँ पे देखिए आप इको आने लगा है, यहाँ पे बंद करते हैं, देखिए इको बंद हो जाएगा। हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 तो अब यहाँ जो है ये आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ भी आप अब आप ढोलक लगा सकते हैं, गाने वालों की माइक लगा सकते हैं, सारा कुछ इसी में लगा सकते हैं, सिर्फ इसका ईगो हमारे इसमें आ रहा है। देख लीजिए इसका पूरा ईगो बंद था, तो यहाँ पूरा ईगो भी आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से ईगो को बंद कर, तो ईगो वाले वॉल्यूम को आप बंद कर देंगे तो ये आपका सेक्शन जिसमें जो आपको ढोलक पर नहीं देना है तो आप यहाँ से ईगो बंद कर देंगे, और यहाँ से ईको जैसे ही चालू करेंगे तो हमारे पूरे जो माइक है उसमें ईको जाने लगेगा। और यदि आप चाहें कि इसमें ईको नहीं देना हमें तो इसको ईको बंद कर दें, इसमें ईको देना है तो इसमें ईको दे दीजिए, इसमें ईको आपको नहीं देना है तो बंद कर दीजिए, इसमें देना है तो इसको खोल दीजिए। ये आपके मन मर्जी के अनुसार काम करेगा मिक्सर, जैसा कि उस कनेक्शन में नहीं होता है,
लेकिन इस कनेक्शन में आपका ऐसा हो जाएगा। लेकिन तो इस तरह से आप कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है कभी, तो इस तरह से आप करके उसको चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना होता है कि इसमें जो हमको जो अपना इसकी जो वॉल्यूम है, जैसे बेस है, ट्रेबल है, मिड है, तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा। दोनों साइड से आप कंट्रोल करके चलाएंगे, ध्यान से ज़्यादा नहीं देना है, आप मीडियम मीडियम रख सकते हैं। और ये इको का, तो इको आपको जैसा चाहिए हो तो वैसा इको इसको बना लेंगे, तो वैसा इको ये मिक्सर को यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। और इसके बाद में जैसे इसका है, तो आपको देखना है यहाँ से कितना हाई चाहिए, कितना लो चाहिए, कितना मिड चाहिए, तो यहाँ से हम अपने अनुसार इसको सेट कर लेंगे। इसको मैंने, ये मिक्सर है, इस पर ये देखिए गेन टोटल बंद रखा है, गेन इस पर बिल्कुल ले दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने फुल दे दिया है, यानी फुल से थोड़ा कम है, तो इतना मैंने दे दिया है, वो पूरा आउटपुट हमको यहाँ से मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही दिक्कत इसमें आएगी, आवाज़ आपको काफ़ी मिल रही होगी। तो यहाँ पे आप ये देख लेंगे, यहाँ पे माइक ऑक्स वन और ऑक्स टू को मैंने लगभग 60-60% पे खुला हुआ है, और ये जो हमारा मास्टर है ये भी 60% है। यदि आवाज़ की आप कमी पड़ती है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मास्टर को हल्का हल्का इनको भी बढ़ा देंगे, तो आराम से आपका आउटपुट क्लियर हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छी आपको आवाज़ मिलेगी। लेकिन इसमें थोड़ी बिसल की प्रॉब्लम रहती है ऐसे कनेक्शन करने पर, क्योंकि दो मिक्सर को आप ऐसे जोड़ेंगे तो जोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी बिसल की समस्या आएगी, तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो इस तरह से कनेक्शन करके जोड़ तो हम सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी हमको सिंगल मिक्सर में मिलेगी वो क्वालिटी आपको डबल ऐसे मिक्सर जोड़ने पर नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप जब भी जरूरत पड़े तो जब ही इसका यूज करें, नहीं तो आप ऐसा यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी जो क्वालिटी है वो आपकी लो आती है, उतनी क्लियर क्वालिटी, उतनी शानदार क्वालिटी, उतना प्रेशर आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो एक तो ये मान लीजिए कि इस तरह से एक व्यवस्था बनाना है, थोड़ा सा मैंने व्यवस्था बना लिया, मेरे पास मिक्सर नहीं था तो इस तरह से मैंने कनेक्ट करके वो अपना काम चला लिया है। तो ये काम चलाने के लिए है केवल, और इसके लिए नहीं है कि आप इसको परमानेंट इसको चलाओ। तो इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।